चला के आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यमुना घाटी की ओर से और पुरोला विधानसभा की ओर से आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। आपने हमारे बीच में आकर आपके चरण इस पावन इस धरती पे पड़ा, इस घाटी की जनता, इस क्षेत्र पुरोला विधानसभा अपने आप को धन्य महसूस कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका सानिध्य, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इस पुरोला विधानसभा में हम सब लोगों को मिलता रहे, ऐसा हम सब लोगों को, हम सब लोग आश्वस्त हैं, आपसे आशा करते हैं कि निकट भविष्य में आपका प्यार इस रमाई के प्रति, इतनी संख्या में आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए और आपके दर्शन करने के लिए गांव-गांव से लोग यहां पे आए हैं, इसके लिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिवादन स्वीकार करता हूं कि आज वह हमारे लोकप्रिय विधानसभा अध्यक्ष जी के दर्शन और सुनने के लिए यहां पे आए हैं, इसके लिए आप यहां की जनता बधाई की पात्र है। माननीय अध्यक्ष जी, जो दायित्व मुझे आपके आशीर्वाद से, आदरणीय धामी जी के आशीर्वाद से और अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से जो मुझे जो आशीर्वाद मिला है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बागवानी के क्षेत्र में ये यमुना घाटी ही नहीं, पुरोला विधानसभा में नहीं, पूरे उत्तराखंड की जितनी 70 की 70 विधानसभा है उसमें हॉर्टिकल्चर के माध्यम से और बागवानी के माध्यम से और वेजिटेबल के माध्यम से और हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के माध्यम से हम लोग इसको एक नया आयाम देंगे और हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के माध्यम से उत्तराखंड के नवयुवकों को, नव युवतियों को और यहाँ की महिलाओं को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि इसको एक रोजगार परक योजना हम पूरे उत्तराखंड में चलाएंगे। उसके लिए हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपने यहाँ पे आने का आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। मैं आपसे करवट निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आकर हमारी जनता को आशीर्वचन देने का कष्ट करेंगे। आदरणीय खंडूड़ी जी।